from standard 6 of each science. As you all know, we have started with a new chapter, chapter 14, water, and we have done two parts in that chapter. So in the first part we have done how much water do we use and where do we get water from. यानी ये पानी हम जो कितना यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में इन कुकिंग इन बेदिंग इन फार्मिंग क्लोथिंग हर जगह पानी हम कितना यूज करते हैं और जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट वी यूज इज सो ह्यूज तो ऐसा लग रहा है कि पानी खत्म हो जाएगा तो ये ईच एंड एवरी पर्सन इन आर फैमिली यूज अ लॉट ऑफ वाटर फॉर सो ये हमने पढ़ा And where do we get water from? ते पानी कहाँ से आता है? ते पानी है जो के ओके वाटर कम्स फ्रॉम आर टैंक वाटर टैंक से बोल वाटर टैंक में जो वाटर कहाँ से आता है? वो आता है म्यूनिसिपैलिटी से वहां से म्यूनिसिपैलिटी के पास कहाँ से आता है? वो रेन वो रिवर्स होते हैं जो पॉन्ड्स होते हैं लेक्स होते हैं वो वहां से पानी आता है तो वी हैव स्टडीड दैट इन द फर्स्ट पार्ट तो इन सेकेंड पार्ट तो वाटर साइकिल पढ़ा कि डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर अब वाटर साइकिल के अंदर जैसे हम डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर जो है वो हम क्या करते हैं जैसे कपड़ा गीला हुआ रहता है हम सुखाते हैं तो उसके ऊपर जो अंदर पानी रहता है वो पानी कहाँ चला जाता है इट हैज डिसअपीयर्स तो डिसअपीयर हम लोग बोलते हैं सूख गया लेकिन पानी इट हैज टू बी द वाटर हैज डिसअपीयर्ड तो पानी गया कहाँ और सेकेंड में लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स अब प्लांट्स भी जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द रूट्स और वाटर एब्जॉर्प्शन रूट से करते तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर विच द प्लांट टेक्स इन इट हैज टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम द प्लांट तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी भी बाहर निकाल देते हैं सो हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म अब ये साइकिल के अंदर क्या होता है कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म में जो सेकेंड पार्ट में पढ़ा हुआ था कि पानी जो सूख के खत्म हो गया तो चले जाता है एटमोसफेयर के अंदर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो ऊपर ऊपर जैसे चले जाता है तो वेपर बन के जाता है अब वेपर जैसे एज यू ऑल नो कि वाटर विल बी बॉइल इन अ वेसल ऑन अ गैस स्टोव तो गैस की हीट की वजह से वाटर बॉइल्स और वाटर बॉइलिंग वाटर वेपर्स बन के निकलता है बाहर जब वेपर्स बन के बाहर निकलता है तो वेपर जो है एटमॉस्फेयर में चले जाता है तो धीरे धीरे यही वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो जितनी हाइट में जाता है वेपर उतनी हाइट में जाके जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वहां पर ठंडी ज्यादा हो जाती है एंड विद दैट कोल्ड रीजन ठंडे की वजह से तो जो वेपर कंडेंसेस और जब कंडेंस हो जाता है तो वेपर पॉइंट ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाता है तो ऊपर जब ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाता है तो वही ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से जमा होता है और वो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं क्लियर सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बैक टू द ओशन एंड व्हाट इफ इट रेन्स बैक टू द ओशन अभी क्लाउड्स फॉर्म हो गए अब क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद रेन आता है रेन आके फिर वापस अगेन वो पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स भर जाते हैं और वहीं से पानी जो म्यूनिसिपैलिटी में जाता है वो हमारे घर में आते हैं पानी एंड देन अगेन वी यूज दिस ये पूरी साइकिल वाटर साइकिल चलती रहती है सो बैक टू द ओशन अब यही क्या चीज है वेन द क्लाउड्स आर फॉर्म अगेन द क्लाउड विल बर्स्ट व्हेन रेन फॉल्स जब पानी गिरता है तो पानी ओशंस में रिवर्स में वापस चले जाता है तो वापस चले जाता है सो ये ओशन के रिवर्स में वापस कलेक्ट पानी होता है सो व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेस आर अबाउट द लेवल ऑफ ओशन जितनी भी लैंड सर्फेस है वो ओशन के लेवल के ऊपर है यानी ऊपर टेकरे पर रहेगा तो पानी वही फॉल होकर नीचे गिरेगा तो रोल होकर नीचे आएगा सो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स इन द लैंड इज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशन एंड दिस हैपेंस इन मेन पूरे वर्ल्ड में अगर पानी बारिश शाम में गिरेगी तो घूम के पूरा पानी कहीं ओशन में जाएगा सो स्नो इन द माउंटेन्स बेल्ट टू वाटर स्नो माउंटेन के बोलते हैं वो भी पिघल जाता है ड्यू टू द टेम्परेचर हीट की वजह से अब पिघल जाता है पानी नीचे ही आता है पानी नीचे आता है वो कहाँ जाता है ग्राउंड वाटर अंडर वाटर में जाता है वहां से अंडर वाटर में जो ब्रिज जो होते हैं जो स्ट्रीम्स जो होते हैं वो वापस घूम के वापस ओशन में चले जाते हैं तो सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एंड रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इन टू अ सी और एन ओशन चलने लास्ट में
तो ओशन या सी में पानी चले जाता है. तो ये बैक टू द ओशन द वॉटर विच फॉल्स बैक अगेन एज अ रेन वो अगेन इट गोज टू द ओशन. कहीं पर भी जाए वो कम्स बैक टू द ओशन. सो नाउ व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, तो क्या ज्यादा रेन हो जाती है तो क्या हो जाता है. अब कोई भी चीज लिमिटेड में भी हमारे को काम आती है. ज्यादा हो जाती है तो एक्सेसिव अमाउंट इट ऑल्सो गेट्स हार्मफुल. अब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेन जब आएगी तो क्या होगा, फ्लड जमा हो जाएगा. फ्लड हो जाएगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा हमारे लाइफ के अंदर. तो क्रॉप जो होते हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग करते हैं वो क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो नुकसान हो जाता है. क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं नुकसान हो जाता है. क्रॉप की शॉर्टेज हो जाती है और क्रॉप की शॉर्टेज हो जाती है तो वो लोगों को भूखमरी में ले जाती है. सो द लॉस ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेन भी इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर एनी अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म. So there should always be a limited amount which a particular land requires. So what happens if it does not rain for a long period? Agar zyada lambe time pe, so what happens if it does not rain for a long period? Ab jaisa maine padha, what if it rains heavily? Ab zyada barish aayi, flood jama ho gaya, sab nuksan ho gaya. Agar kam barish aayi, bahut time tak barish bhi nahi aayi. तो सोर्स हमारे कहां से आएगा, पानी भी कोई स्कैस मिल जाए तो ड्राफ्ट जो है कहन साली बोलते हैं कि पानी कम होने बारिश कम होने की वजह से कहन साली हो गई. भाई अनाज है कहीं होगा नहीं, क्रॉप्स इट डजंट ग्रो, सो दैट हैपेंस आल्सो. तो ये भी हमारे ड्राफ्ट की सिचुएशन व्हेन इट अकर्स व्हेन देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ रेन, रेन की कमी आ जाएगी और बहुत टाइम लंबे पीरियड तक पानी रेन वाटर नहीं गिरेगी. सो हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. ये भी चीज हर एक चीज भाई बोलते हैं भाई यहाँ पर हर जगह पर कि कोई भी चीज खत्म होने से पहले यू हैव टू कंज्यूम, तो कंजर्व कर रहे हो कि भाई हार्ड टाइम्स में वो काम आएंगे. बोलते मनी जो है तुम रिजर्व कर दे रहे हो, रिजर्व करने के बाद फालतू खर्च मत करो तो उससे क्या होगा तुम पिग्गी बैंक के अंदर पैसे डालते रहते हैं तो पैसे डाले कि कोई भी हार्ड टाइम पे कभी जरूरत पड़ेगी तो वो पानी काम आएगा. इसी तरह वी ऑल्सो शुड कंजर्व वाटर इन अ हार्ड टाइम. तो हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, तो पानी जो है वेस्ट कम करने का, एग्रीकल्चर के अंदर स्प्रिंकलर्स लगाने का, तो कहीं पर भी हम यूज वाटर करें वी शुड यूज इन अ लेस अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी. इन द लास्ट वन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब रेन वाटर भी जो है एक वेन रेन्स इन अ बिल्डिंग और ऑन ग्राउंड तो वापस वो खत्म हो जाता है. तो उसको हमारे को यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा पर्सनल सपोर्ट कैपिटल, तो जो मकान बने हुए रहते हैं तो रेन वाटर जो ऑन द टॉप फ्लोर हाउस फॉल तो पानी जमा होकर एक पाइप के थ्रू हम लेते हैं, वो पाइप के नीचे अंडरग्राउंड टैंक के अंदर लेके जाते हैं. तो जब पाइप के अंदर जो पानी अंडरग्राउंड टैंक के अंदर जाता है तो पानी हम रेन वाटर जमा करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया. सो नेक्स्ट टाइम आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू सेंड यू द पीडीएफ एंड देन यू हैव टू राइट इन योर नोट. थैंक यू. नाउ क्वेश्चन था कि कौन सी बॉटल में सबसे ज्यादा पानी है. इफ यू लुक एट द फिगर, देखो बॉटल ए में है 100 ml, बॉटल बी में 400 ml, बॉटल सी में 500 ml, बॉटल डी में 1 liter, बॉटल ई में 200 ml और बॉटल एफ में 300 ml. तो सबसे ज्यादा पानी इसमें किसके पास है, इट इज बॉटल डी. सो द करेक्ट आंसर इज बॉटल डी. तो यहां पर हम लिखेंगे बॉटल D. Okay, kids? So with this, we have finished today's class.
आई विल गिव यू सिमिलर सम्स फॉर होमवर्क. आप होमवर्क करोगे अपनी मैथ्स नोटबुक में, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो कॉल के थ्रू बुक्स चेक होती है. सो डोंट स्किप एनी होमवर्क. ओके, कंप्लीट योर नोटबुक रेगुलरली. वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.